जा रहे देखो मछा पकड़ने धार कर यहाँ। दोस्तों अभी ऐसे आ रहे तो एक अच्छा नज़ारा दिखा खूबसूरत, ऐसे लोकेशनों को जब जब आते रहना खाली बहुत मजा आते रहता। के सामने आने की वजह क्या थी बोले तो बहुत मिस कर रहा मैं वीडियो एडिटिंग, दोस्तों को शेयर करना और वीडियो देखे सो वाले मेरे पहले जो भी मेरे व्यूवर्स थे बस उन्हें एक ही बोल रहे क्या भाई दिख रहे भी नहीं, वीडियोस भी नहीं निकाल रहे, क्या बात है। ब्लॉग बनाना दूर दूर कहीं जाके ब्लॉग बनाना ऐसा करके बहुत सोच के बहुत प्लानिंग्स थे मेरे और यूट्यूब में भी बहुत आगे बढ़ के कुछ ना कुछ करना बोल के बहुत जुनून था मेरे में, मगर वो क्या है अल्लाह जाने मेरे को, वो क्या अल्लाह तारा आजमा रहा वो क्या है नहीं मालूम। बहरहाल मेरे साथ तो नहीं हो सका निकालना वीडियोस वगैरह, मैं मेरी जो गाड़ी है वो रेंट पे दे दिया और मैं बाहर प्राइवेट में काम कर रहा हूँ, अब इसी वजह से मेरे को थोड़ा भी टाइम नहीं मिला था। अपने गाँव को जा रहे इसी वजह से मैं वीडियो निकाल रहा हूँ, गाँव को गए बाद में, अपन इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, आदाब सुशेकल वनकम, मैं हूँ शहबाज खान। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बोलने की बात यही है कि मैं वीडियोस नहीं निकालने की मेन वजह मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स, वो क्या है क्या नहीं वो अल्लाह जाने। तो दोस्तों सुबह सुबह 8:30-9 बजे के दरमियान उठा, संडे है आज, टाइम आके 10:40 हो रहे और मैं ड्यूटी चढ़ा हूँ अभी एक गाँव को जाने के लिए। वो गांव का नाम है मुगल्लापल्ली, परकाल से एक 25 किलोमीटर के करीब में है। तो इंशाल्लाह वहाँ के नेचर वेदर पब्लिक क्या चीज़ है क्या नहीं मालूम करके इंशाल्लाह आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाना चाह रहा हूँ। ये हमारे नाना हजरात है, इनका नाम है सादिक, अपन अब स्टार्ट हो रहे गाड़ी में। नाना का गाँव वही है, प्रॉपर वही है नाना ना। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो गया, नाना भी परमिशन दे दिए, नाना भी आ रहे व्लॉग में, तो आ गया हमारे नानी भी आ गया। तो दोस्तों फाइनली अपन पहुंच चुके हैं मुगल्लापल्ली, अच्छा अच्छा खेड़ा कुछ भी नहीं है मगर जहाँ तक भी है अच्छा दिख रहा। तो गांव से थोड़ा बाहर आए तो इस तरीके का है, यहाँ पे छोटे छोटे दुकान है। ये अपन को देखने को मिलते है डॉक्टरा, इसको ब्रेड के डॉक्टर बोलते ना करते इससे। तो चलो थोड़ा गांव देखेंगे क्या है क्या नहीं उतर के, मैं थोड़ा नाश्ता नहीं करा, नाश्ता करके आके मिलता। बस है अच्छे है, जो कुछ भी है अच्छे दिख रहे। कहाँ बोले तो वहाँ सरकिला अच्छे अच्छे बड़े झाड़ा, बस मार्केट तो नहीं है, संडे मार्केट रहती हूँगा समझा। अरे कटिंग का डब्बा है दे असल यहाँ है, हाँ नहीं है एक दो तीन दुकान होते खत्म। गांव एंड इधर चले गए तो जम्मीकुंडा कमलापुर उपल, अरे वहाँ दूर दूर में खेती बाड़ी चल रही, अरे पेट्रोल पंप। तो गौर करके देखे तो दोस्तों बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ मैं ये, वहाँ एक बैल के साथ नागर रहे, वो जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना धान, धान पिका रहे लोग, अच्छा दिख रहा मतलब अच्छे सिंगल रोड़ा ऐसे डब्बे। बहुत दिन के बाद आया मैं इधर, कई सालों के बाद आया, दिन के बाद नहीं। तो अपन को ऐसा दिख रहा है यहाँ का नज़ारा जो भी है अच्छा है। दोस्तों करीब करीब एक 15-20 मिनट वहाँ के वहाँ गलियों में फिरा, जो सर्किल है वहाँ पे फिर एक होटल भी नहीं मिल रही यहाँ पे, खाली एक दो बेकरियां हैं। अब सुबह सुबह बेकरी का आइटम खाए तो खांसी चालू हो जाती मेरे को। अब यहाँ से निकले तक कितना टाइम लगता नहीं मानू, खैर देखेंगे अब यहाँ खरीब में और कुछ से भी है मालूम करके, अगर है तो ठीक है अगर नहीं रहे तो भूखा फिर वरंगल गए बाद नीचे खाना पड़ता। पैक करो मुगल्लापल्ली वालों को, निकलना तो है, मैं शाम होती हूँगा, वीडियो निकालना होता नहीं होता, बहुत लॉन्ग हो जाना मेरे पसंद नहीं है, एक मिनट या दो मिनट कितना होता कि नहीं मानू। बहुत दिन के बाद डाल रहा ना, थोड़ा अलग से डालेंगे समझो,
आते जब वीडियोस निकालेंगे समझा, नहीं हुआ वो ऐसा सांपों की तरह है रोड़ा पूरे। कब के आया था ना उतना नहीं भगा नहीं सकते गाड़ी, निकालने वाले भी नहीं है साथ में कोई भी। बहरहाल चलो अब तो शुरुआत तो हो गई, इंशाल्लाह डेली अपडेट अगर मेरे से हुआ तो मैं वीडियो आप लोगों को शूट करके दिखाते। अपन निकले वारंगल से 11:15 को, यहाँ 11:40 को पहुँच गए। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र तो बहुत अच्छा कटा, 1 घंटे के अंदर अंदर में पहुँच गए। ठीक है दोस्तों, वीडियो ये ब्लॉग अगर पसंद आया, मैं मेरे स्टेटस में डाल रहा हूँ लिंक को, क्या करो क्लिक करके जाके वीडियो देखो। 1K व्यूज आए तो भी सब्सक्राइबर नहीं बन रहे थे जब बोल के, वैसे भी थोड़ा नर्वस हो गया। रायपुर रॉक्स चैनल तो चले गया था वो, फिर उसको कब शुरुआत है वो अल्लाह जाने। अब तो बहरहाल ये ब्लॉग का चालू करेंगे बोल के दिमाग में बैठ गया। इंशाल्लाह अब एक निकालते निकालते थोड़ा क्या है ना, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है जरा भूलने का क्या है, थोड़ा अपन को भी एक अच्छी हैबिट फिर से चालू हो जाती। मैं क्या की समझा था यूट्यूब निकाल के क्या की करके क्या की करेंगे समझा, वो क्या की हो गया। वो तो भी हुआ ठीक है, कोशिश तो करेंगे अपन लगातार, एक जुनून लगा के तो भी करेंगे, आपसे तो भी अच्छा एक्टिव रहेंगे, अपडेट देता रहूँगा इंशाल्लाह आप लोगों को, और अच्छे अच्छे ब्लॉग निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर ये वीडियो मेरा ब्लॉग पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक का बटन करो क्लिक, वैसा करने से क्या है ना अपन को थोड़े व्यूज़ बोलने के रिकमेंड में चले आते रहते। ठीक है दोस्तों चलता हूँ, दुआ में गुजारिश, जज़ाकल्लाह खैर। दोस्तों अभी ऐसे ही आ रहे तो एक अच्छा नज़ारा दिखा, खूबसूरत बहुत अच्छा दिखा मेरे को, ये मिला लास्ट में धुलते धुलते। यहाँ कैसा दिख रहा, जबर है नहीं, थोड़ा सा बैक आके देखे तो, अरे देखो झाड़ का नज़ारा इस तरीके में है। ओ हाईलाइट क्या हुआ मालूम बाबू, ऐसी हंसी आई मेरे को पूछो मत। मैं इधर गाड़ी रोक के इधर वीडियोस बना रहा था, जबर है नहीं, अरे मैं बोला नहीं चील के चुड़िया बोल के कैसा लटक रहे देखो, इसमें तोते, अरे तोते इस पे सब, मतलब बहुत दिन के बाद देखे तो एक बार अन्नाराम में उधर तुर्रुरू उधर खम्मम के साइड में ज़्यादा दिखते हैं, मगर अब इतना बड़ा तो पहली बार देख रहा हूँ मैं। और सेंधी कुंडे नहीं लगाए होंगे, हाँ लगा के है कुंडा एक है, उसके खाली जेड़ान से देखो बड़े बड़े झाड़ों के नाथ है। ठीक है चलेंगे, देर हो गई, और कहाँ तो भी अच्छा लोकेशन ऐसी दिखे तो आप लोगों को निकाल के दिखाता। पीछे 1-2-3 आठवां टाटेशियन सब रोक दिए, आके पूछ रहे कहाँ है कौन नहीं है क्या हुए, बोलते कौन होना आटी हो तुम्हारी छः गाड़ी बोलता, हाँ बोला। अच्छा नहीं व्हीकल चेकिंग चल रही क्या, व्हीकल चेकिंग कहाँ की रे भाई, मैं ऐसे बाहर आया था कौन नहीं है, मगर तुम ना के रुके जाओ, अरे पीछे सब वहाँ, अरे वहाँ दिख दिख रहा वहाँ पे सब रुक गए थे वहाँ पे, थोड़े तो अंदर दबा लिए गए थे गाड़ियाँ, देह अच्छी नहीं होती मेरी वो। ऊपर देखा गया तो उधर चमड़े की चूड़ी बोलते उसको शायद, आप लोगों को दिख रही नहीं, दिख रही नहीं ऐसा रोड चलते कि, अरे वहाँ दूर एक कमान दिख रहा देखो ऑटो जा रहा, वहाँ एक केनाल है, मतलब वो क्या बोलते उसको तालाब है नहीं मालूम, केनाल है नहीं मालूम, गंगा है नहीं मालूम, मानेर है नहीं मालूम। तो यहाँ से देखे तो थोड़े लोग बैठ के बात कर ले रहे उधर पंचायत, जो मैं बोले सो झाड़ी है चीज़ खाली रोड के ऊपर से कैसा दिख रहा था मानो यहाँ से देखे तो, अरे ये क्या इतना बड़ा है, देखते कि जल्दी गाड़ी रोक दिया इधर। यही से वो नज़ारा आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा था, जा रहे देखो मच्छा पकड़ने धार कर यहाँ ज़बरदस्त है, खाली मानेर बोलते गए थे अब भी पूछ के मालूम करा, अरे वहाँ दूर में देखो कुंगुर्रे देखे जबर नहीं, अरे ये साइड का ये आगे का लोकेशन, ऐसे लोकेशनों को जब जब आते रहना खाली बहुत मज़ा आते रहता। एक संडे बाहर निकले सोचते को थोड़ा अच्छा दिख रहा आज।